राजस्थान पत्रिका 19 फरवरी 2024 टुडे न्यूज। सरकारी स्कूलों में 34,000 शिक्षकों की कमी दूर कर नई भर्ती का रास्ता खोल सकते हैं डीपीसी। शिक्षक राज्य सरकार ने यूजी व पीजी में असमान विषय वाले 2021 से पहले नियुक्त वरिष्ठ शिक्षकों को पदोन्नत में छूट व प्रधानाचार्य पद में पर पदोन्नति में शिथिल देकर शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ कर दिया है। अब 3 साल से अटकी व्याख्याताओं की पदोन्नति हो सकेगी। व्याख्याताओं की कमी से जूझ रहे सरकारी स्कूलों के बच्चों को कुछ राहत मिल सकती है, पर यह राहत अब भी अधूरी होगी। उप प्रधानाचार्य व तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी का मुद्दा कोर्ट में विचाराधीन होने, अब भी केवल सेकंड ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी हो सकेगी। लेकिन अब इस प्रकरणों के निस्तारण के साथ यदि सरकार सही क्रम से शिक्षकों की डीपीसी करे तो उससे प्रदेश के 34,000 शिक्षकों की पदोन्नति हो सकती है, जिसका फायदा सरकारी स्कूल की शिक्षण व्यवस्था के साथ आगामी भर्तियों में भी होगा। पहले वाक्यताओं की हो पदोन्नति। एक्सपर्ट्स के अनुसार सरकार सबसे पहले 2021-22 में, इसके बाद 2022-23 के वाक्यताओं की पदोन्नति करें। इस बीच उप प्रधानाचार्य पदोन्नति के न्यायालय का प्रकरण का निस्तारण करवाने का प्रयास कर पदोन्नत हो चुके 10,000 व्याख्याताओं का पद स्थापन दे। उसके बाद सरकार के शिथिलन की अनुपालना में उनमें से 6,331 उप प्रधानाचार्य की पुनः डीपीसी कर उन्हें प्रधानाचार्य पद पर पद स्थापन दिया जाए। प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति से रिक्त हुए 6,331 में से पहले रिक्त पद चल रहे 2,000 पदों को मिलाकर 8,000 व्याख्याताओं की उप प्रधानाचार्य पद पर डीपीसी कर उन्हें पद स्थापित किया जाए। इससे बाद व्याख्याता पद के लिए 2023-24 और 2024-25 की डीपीसी कर सारे रिक्त पद भर दिए जाए। इस प्रक्रिया में 19,000 वरिष्ठ अध्यापकों का व्याख्याता पद पर पदोन्नति का मौका मिल सकेगा। इसी बीच वरिष्ठ अध्यापकों के लिए एडिशनल विषय को लेकर चल रहे विवाद का न्यायालय में निस्तारण करवा कर सरकार को बकाया 3 डीपीसी और 1 अप्रैल 2024 को लंबित हो रही 4थी डीपीसी कर 30,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों को पदोन्नत कर पद स्थापित कर दिया जाना चाहिए। इससे प्रदेश के करीब 74,000 शिक्षकों के खाली पद पदोन्नति से भरे जा सकते हैं।